जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः पीताम्बरायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै भगवत्यै नमः। आइए चर्चा करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष नव संवत्सर नवरात्रि के विषय पर। अब सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में चार प्रकार से नवरात्रि मनाई जाती हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से श्री राम नवमी तक जो नवरात्रि है वो चैत्रीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और नवमी तक जो नवरात्रियां होती हैं जो आश्विन क्वार की महीने में होती हैं, और माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माघ शुक्ल पक्ष नवमी तक गुप्त नवरात्रि, उसी प्रकार से आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और भड़ैया नवमी तक गुप्त नवरात्रि होती है। हर नवरात्रि का अपना अपना एक महत्व है, स्थान है, और सभी नवरात्रियां सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि नवरात्रि चारों ही माता का ही रूप है। और यथावत स्थिति के अनुसार गुप्त नवरात्रि गुप्त फल को प्रदान कराने वाली हैं, और अश्विन और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रियां विशेष लाभ फल प्रदान करने वाली हैं। तो नव संवत्सर हमारा वैदिक हिंदू सनातन धर्म के माध्यम से जहाँ से प्रारंभ होता है ईस्वी यानी कि नया वर्ष, वह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुड़ी परमा से ही होता है। इसलिए इन नवरात्रियों में जो भी साधक जो भी यजमान अनुष्ठान करते हैं करवाते हैं, उन्हें माँ भगवती श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती की कृपा संपूर्ण रूप से वर्षती है। माँ भगवती नौ रूपों में जानी जाती हैं, आप सब जानते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती यानी कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो सप्तशती सप्तश श्लोकी है, 700 श्लोकों में जिनका विस्तार है उसमें दिया गया है विस्तार से माँ भगवती का। दिव्या कवच के अंतर्गत ही कि पहले दिन माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में विराजती हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्दगम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी कि नवमे दिन है जो नवमी का स्वरूप है वो सिद्धिदात्री के रूप में है। इस प्रकार से अलग अलग नौ रूपों में नौ दिन के रूप में माँ भगवती फलों को प्रदान करती है, अपने अपने स्वरूप को धारण करती है। इसलिए जो भी इस प्रकार को करते हैं माँ भगवती की कृपा उस व्यक्ति पर वर्षती रहती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।